बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं न्यूजीलैंड से आज प्रोग्राम का दोबारा शुरू कर रहा हूँ, और ये मेरे घर का सहन है, मेरे बेटे के घर का सहन है, और उसी के किचन में मैंने आज खाना पकाने की इब्तदा की है। और आज जो मेरे मूड में है कि आज फूल खाया जाए और बनाया जाए, सऊदी और अरबों की सौगात फूल और हुमस, तो हम और फूल और हुमस से इब्तदा करेंगे। फूल पकाना बहुत इजी है, आसान है, चंद चीज़ों की ज़रूरत होती है, मैं आपको दिखाई देता हूँ वो चीज़ें क्या क्या हैं। आपको टमाटर चाहिए होगा, चाहे आप टिन टमाटर लें या सादे टमाटर लें। उसके अलावा तहीना आपको चाहिए होगा, अगर हो सके तो तहीना इस्तेमाल करते हैं, ये तहीना है। उसके बाद फूल है, ये फूल का मेरा टिन है, टिन का फूल चाहिए। उसके बाद तुर्शी कहते हैं अरबों के यहाँ भीगे हुए सब्ज़ी को, या गाजर मूली और तमाम सब्ज़ी को वो सिरके में पकाते हैं और वो नरम हो जाती है, या सिरके में डुबो के रखते हैं अचार की तरह, उसको तुर्शी कहते हैं। तो तुर्शी ऊपर से खाने के लिए चाहिए होती है। और उसके बाद हमें चाहिए होगा जैतून, तो ये मेरे जैतून हैं, मैंने जैतून रखे हुए हैं, जैतून चाहिए होंगे, जैतून हम खाएंगे लेंगे। और ये जो आपको हिलता हुआ जो पौधा मेरा दिख रहा है, ये आपको वेलकम कर रहा है, ये सोलर खिलौना है वो रखा हुआ। और उसके बराबर में जो है वो जैतून है, जैतून का तेल है, जैतून के तेल की ज़रूरत होगी, जैतून के तेल के साथ इस फूल को खाया जाता है, तो ये जैतून का तेल है। और उसके बाद पकाने वाला तेल, कोई भी आप नबाताती है कोई भी ले सकते हैं, तो इन चीज़ों की ज़रूरत होगी। इसके बाद हमें जो चीज़ें चटनी बनाने के लिए ज़रूरत होगी वो होगी जनाब आली, लाल मिर्च कूटी हुई, या हरी मिर्च की भी बनाई जा सकती है, ये थोड़ा सा नींबू का टुकड़ा, तीन चार गार्लिक, ये तीन चार लहसुन के टुकड़े, तीन चार फांके, और टमाटर चाहे ताज़ा लें चाहे टिन का लें। तो मैंने एक टिन का टमाटर लिया है और आधा टमाटर जो है ताज़ा लिया है, और उसको ग्राइंड करते हैं और पहले चटनी बना के अलग रख देते हैं, और उसके बाद हम अपनी फूल तैयार करते हैं। चटनी लाल चटनी मैं बनाऊंगा, ये मैंने कूटी हुई लाल मिर्चें थोड़ी सी ले ली हैं, तीन चार लाल मिर्चें ली हैं, उनको कूट लिया है भूनने के बाद। आप चाहें तो लाल मिर्च इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप चाहें तो पाउडर का मिर्च इस्तेमाल कर सकते हैं लाल, या आप चाहें तो हरी मिर्ची तेज़ वाली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैंने लिया, और उसके अंदर मैं नमक डालूंगा, थोड़ा सा नमक डाला मैंने, थोड़ा सा नमक डालूंगा, थोड़ा सा नमक डालूंगा, और नमक के बाद उसके अंदर नींबू निचोड़ूंगा, ये मैंने नींबू का टुकड़ा लिया है, इसे निचोड़ूंगा उसके अंदर, और इसे थोड़ा सा पानी डालने के बाद इसको ग्राइंड कर लूँगा। ये हमारी मिर्चों वाली चटनी तैयार हो गई। ये से हमने मिर्चों की चटनी बना ली है, उसको ग्राइंड कर लिया। याद रहे हमने लाल मिर्च की चटनी बनाई है, इसमें मिर्चें मैंने मोटी वाली कूटी हुई, नमक और नींबू का इस्तेमाल किया है, साइड में हम रख देते हैं, जब फूल तैयार हो जाएगा तो उसके साथ खाने के लिए मज़ा आएगा। इस चटनी में आप चाहें तो लहसुन भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे क्योंकि ज़्यादा लहसुन पसंद नहीं इसलिए मैंने लहसुन नहीं डाला है, और ज़ीरा भी डाल सकते हैं, लेकिन फूल अगर सादगी में सादे तरीके से चटनी के साथ खाया जाए तो मज़ेदार लगता है। अब उसी जार में जिसमें मैंने चटनी पीसी थी, उसी में आधा टमाटर ताज़ा और एक टमाटर जो है टिन का डाला है, और उसी में मैं इसके अंदर चार फांके लहसुन की डाली है, इनको ग्राइंड कर लूँगा। याद रहे आधा टमाटर मैंने ताज़ा लिया था और एक टमाटर टिन का लिया था, आप चाहें तो डेढ़ टमाटर या एक टमाटर ताज़ा ले सकते हैं, अगर टिन का नहीं है तो या आप इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं। और उसमें चार फांके मैंने, और ये हमारा मिक्सर इसका तैयार हो गया। अब हम इसे मिक्सर को पहले थोड़े से तेल के अंदर पकाएंगे, और इसमें फूल को भी
ग्राइंड करके इसमें डालेंगे और इंशाअल्लाह ताला उसे पकाएंगे। मैंने चूल्हा ऑन कर दिया है और इस बर्तन में एक चम्मच खाने का तेल, ताकि वो लगे नहीं, खाना हमारा फूल लगे नहीं, खाने का तेल डाल दिया है। और जो टमाटर हमने पेस्ट बनाया था, टमाटरों का पेस्ट जिसके अंदर लहसुन है, वो डाल दिया। अरबों के फूल में वो लोग कोई ख़ास चीज़ नहीं डालते, नमक और लहसुन उन्हें पसंद है, वो कभी इस्तेमाल कर लेते हैं। इसके अलावा जो है, जिस तरह हम मिर्चे वगैरह इस्तेमाल करते हैं, वो कम ही करते हैं, साइड में रखी होती है, जिसका दिल करे उसको इस्तेमाल कर सकता है। और हमारा फूल का जो बेस है वो तैयार होना शुरू कर दिया, पक रहा है। जो ही टमाटर गल जाएंगे, हम इसे में फूल का इजाफा करेंगे। मीनवाइल जब तक ये टमाटर एक दो मिनट में पक जाएं, मैं फूल को ग्राइंड कर देता हूँ। फूल को ग्राइंड भी उसी तरह करेंगे, फूल का टिन खोलें। ये टिन है फूल का जो मैंने इस्तेमाल करना है, इसको धो लिया करें, ताकि ऊपर जो डिपार्टमेंटल स्टोर में अगर कोई हशरात गुजर रहे हो, घूम रहे हो, तो उसकी गंदगी ना आए। उसको खोलने के बाद ये फूल है जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। उस फूल को खोलने के बाद हम उसी ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। मीनवाइल हमारा बेस जो है टमाटरों का, वो तैयार हो जाएगा। ये देखिए, मैंने ग्राइंडर के जग में डाल दिया है, थोड़ा सा पानी डालूंगा ताकि ग्राइंड हो, और ये मोटा मोटा ग्राइंड होना चाहिए, बहुत ज़्यादा बारीक ग्राइंड नहीं हो। थोड़ा सा पानी डाला और इसको मोटा मोटा मैं ग्राइंड करूँगा। ये मोटा मोटा ग्राइंड हो चुका, और उसी दौरान हमारा टमाटर जो है वो भी तकरीबन पक चुके। सिर्फ 2 से 3 मिनट या 5 मिनट मैक्सिमम टाइम दीजिएगा, और उसके बाद आप उसके अंदर फूल का इजाफा करेंगे। ये फूल हमारा ग्राइंड हो चुका था, उसका इजाफा मैंने कर दिया। थोड़ा सा पानी इसमें डाल के खंगालने के बाद इसको दोबारा डाल दूंगा। तकरीबन 1/4 ग्लास पानी इसमें मैंने डाल दिया, और इसे गाढ़ा होने तक 5 से 7 मिनट 10 मिनट तक, अंटिल अनलेस ये गाढ़ा ना हो जाए, हम इसको पकाएंगे। मैं माजत खा हूँ कि काफ़ी अरसे से मैं नहीं था, लेकिन मैं जिस मुल्क में आया हूँ, ये खूबसूरत तरीन दुनिया के मुल्कों में से एक मुल्क है। मैं आपको दिखाता हूँ मेरा सहन, बाद में कभी इंशाल्लाह इसकी पूरी सैर करा दूंगा, या हो सकता है टाइम मिला तो आज ही कराऊंगा। ये देखिए,
کتنی ہریالی ماشاءاللہ موسم زبردست خوبصورت ترین پرندے بہت زبردست آتے ہیں جو میرے ساتھ لوگ آن لائن ہیں وہ میری ویڈیوز بھی دیکھتے ہوں گے تو پرندے آتے ہیں اور موسم اس وقت تو ٹھنڈ کا ہے یہاں پر سردی ہے تقریباً 10 منٹ ان تمام پکانے میں لگے اور میں اب کھول کے آپ کو دکھاتا ہوں ماشاءاللہ تبارک اللہ یہ گاڑا ہو چکا یہ دیکھیے پھول گاڑا ہو چکا پھول کو گاڑا ہونا بہت ضروری ہے پھول زیادہ پتلا نہیں ہونا چاہیے دال کی طرح نہیں ہونا چاہیے یہ پھول گاڑا ہو چکا اب ہم اس کو سرو کریں گے نکالیں گے انشاءاللہ اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیے زبردست کلر بھی زبردست کھانے میں بھی انشاءاللہ زبردست ہوگا تو اس میں جو چیز ایڈ کی تھی میں نے وہ صرف نمک کیا تھا پکاتے وقت اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ایڈ کی یعنی ہم نے پہلے تیل کو گرم کیا اس کے بعد ٹماٹر کا پیسٹ جس میں ہم نے لہسن ڈالے تھے 4 پھانکے لہسن تھی ان کو پکایا اور نمک تھا اور اس کے بعد ہم نے ٹماٹروں کو پیسٹ بنانے کے بعد اس میں ڈال دیا اور اس کو پکایا اتنا پکایا کہ یہ گاڑھا ہو جائے تو وہ پھول کے جو کچا پن ہے وہ بھی دور ہو جاتا ہے اور یہ پک کے تیار ہو گیا اب اس کو ہم نکالیں گے اس میں نیمبو نچوڑیں گے سائڈ میں چٹنی رکھیں گے تہینا اوپر سے ڈالیں گے میں آپ کو دکھاتا ہوں اب ہم تہینا اور نیمبو ٹپکائیں گے اور چٹنی ساتھ پہ رکھیں گے میں نے وہ پھول کو برتن میں نکال دیا ہے یہ دیکھیں یہ تیار ہے یہ میں نے نکال دیا ہے اور صرف اس میں ہمیں نیمبو ٹپکانا ہے اور سائیڈ میں چٹنی رکھوں گا اور تہینا رکھوں گا اور یہ میری روٹی ماشاءاللہ تبارک اللہ اسے کھائیں گے زبردست بنائیں انشاءاللہ آپ امید ہے آپ بھی بنائیں گے یہ دیکھیں یہ میں نے تہینا ایک لائن خوبصورتی کے لیے آپ چاہیں جس طرح مرضی ہے ڈالیں یہ ڈال دیا تہینا آپ چاہیں تو اس میں ہاٹ ساس کی ریڈ چلی ہاٹ ساس بھی ڈال سکتے ہیں اور سائیڈ میں جو ہے آپ ترشی کے طور پہ ترشی رکھیں گے اور زیتون کے کتلے بھی رکھ سکتے ہیں زیتون ثابت بھی رکھ سکتے ہیں جو کھانے میں ہری مرچ جو سرکے والی ہوتی ہے وہ بھی کھا سکتے ہیں اس کے ساتھ زبردست بنتا ہے اور زبردست لگتا ہے اور اس کو اگر تندور کی روٹی سے کھایا جائے تو مزہ دوبالا ہو جاتا ہے یہ میں نے رکھ دیا زیتون اب میں اسے ترشی رکھوں گا ترشی کے اصل میں تو کتلے کر کے رکھنی چاہیے مگر یہ تھوڑی سی ثابت ہے میں کتلا کرتا ہوں میرے اصل میں ہاتھ میں درد ہے کام میں کم کرنا چاہتا ہوں اس ہاتھ سے رائٹ ہینڈ سے موچ آ گئی تھی پہلے جب ہم سامان وہاں سے گیس سے اٹھا رہے تھے اس وقت میں معذرت خواہوں یہ میں نے ترشی رکھ دی ترشی ایک ہری مرچی بھی رکھی جا سکتی ہے اور چٹنی جو ہم نے بنائی وہ بھی ڈالی جا سکتی ہے یہ لال چٹنی سائیڈ میں جو پسند کرے میں اس کو اندر نہیں ڈالتا کیونکہ بچے پسند کرے نہیں کرے اس لیے میں سائیڈ میں رکھ دیتا ہوں یہ اور مین انگریڈینٹس جو اس کا ہے نیمبو وہ آپ ٹپکا سکتے ہیں تو اس میں نیمبو ٹپکا دیے گا ماشاء اللہ تبارک تعالیٰ ہمارا زبردست بن گیا ایک چیز رہ گئی ہری مرچی وہ بھی اس کی سرکے والی وہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں اور کھا سکتے ہیں میں ٹیسٹ کر کے آپ کو بتاتا ہوں کیسا بنائیں